doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I'm going to take second language Hindi for the students of class 7th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लेसन की ओर. साहसी सुनीता जो कि एक कहानी है. तो यहाँ पे साहसी का क्या अर्थ होता है, यानी जिसमें साहस हो, हिम्मत हो, जो पराक्रमी हो. तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो चित्र में कुआ है यहाँ पे, यानी वेल है, और कुएं के दीवार पर यानी ये वॉल पर जो है एक लड़की, एक बच्ची बैठी है. कुएं के अंदर पानी में एक लड़का है, तो यहाँ पे पानी है, वॉटर है, और इस पानी में एक लड़का है, एक बालक है. तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लड़की ने जो एक लकड़ी पकड़ी हुई है और उसने जो है लकड़ी को इस लड़के के हाथ में पकड़ाया है, और कुएं के बगल में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर. तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं. पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. लड़की क्या सोच रही होगी, तो ये जो लड़की कुएं के दीवार पे बैठी है वो क्या सोच रही होगी. तो लड़की जो है कुएं में रहे लड़के को लंबी लकड़ी के सहारे यानी हेल्प से बाहर लाने का यत्न कर रही है, या प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है. वह सोच रही होगी कि इस लकड़ी के सहारे लड़का ऊपर आ जाए तो कितना अच्छा होगा. वह सकुशल बाहर यानी अच्छे से सेफली बाहर आ जाएगा तो मेरा प्रयत्न सफल होगा. तो यहाँ पे साहस किसने किया और कैसे, तो लड़की ने साहस किया. इतनी छोटी सी लड़की है, बिल्कुल बलवान नहीं है, फिर भी शक्ति भर के जो है लड़के को बाहर लाने का जो सफल प्रयास किया, प्रयत्न किया, ये बहुत ही महान गुण है. अर्थ यह है कि शक्ति भर दूसरों की मदद करना हमारा जो है परम धर्म है, हमारा प्रथम कर्तव्य है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी. सुनीता घास लेकर घर जा रही थी. तो यहाँ पे जो लड़की दिख रही है इसका नाम है सुनीता. तो वो क्या कर रही थी, घास लेकर, घास यानी ग्रास, यहाँ पे आप देख सकते हैं घास रखी हुई है, ग्रास रखी हुई है, वो लेकर घर जा रही थी. उसके साथ माँ भी थी. तो ये सुनीता है और ये उसकी माँ है. और रास्ते में रेल की पटरी थी. पटरी यानी रेलवे ट्रैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है यहाँ पे. वहां से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी ट्रेन के निकलने का समय यानी टाइम हो गया था. सुनीता और उसकी माँ पटरी, पटरी यानी जो रेलवे ट्रैक है, तो पटरी के पास रुक गई. तभी सुनीता की नजर रेल की पटरी पर पड़ी, तो उसे वह पटरी टूटी दिखाई दी. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पटरी है, जो रेलवे ट्रैक है, वो यहाँ पे टूटा हुआ है. तो सुनीता ने ये चीज देख ली. तो उसके बाद सुनीता ने क्या कहा, सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, यह पटरी तो टूटी है. दोनों इधर उधर देखने लगी और रेलवे स्टेशन भी वहां से काफी दूर था. तो तभी जो है सुनीता ने रेलगाड़ी यानी ट्रेन को आते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, तो रेलगाड़ी को आते देखा. वह होने वाली दुर्घटना, दुर्घटना यानी इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो होने वाला था, उसको सोचकर जो है कांप उठी. कांप उठना यानी शिवर हो जाना, डर जाना. तभी उसे एक उपाय सूझा, उपाय यानी उसे एक आइडिया आया. तो उसने क्या किया, उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग, रोड पर जो है लाल यानी रेड कलर का रंग यानी कलर, लाल रंग की बत्ती यानी लाइट को देखकर वाहन यानी व्हीकल जो है रुक जाते हैं. वह पटरी के पास जाकर अपनी जो है लाल रंग की ओढ़नी, ओढ़नी जो है लेकर लहराने लगी. माँ भी दोनों हाथ उठाकर रुकने का संकेत यानी इंडिकेशन करने लगी.
गाड़ी चालक यानी ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले हैं, आप देख सकते हैं, गाड़ी चालक ने लाल कपड़े को लहराते और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर सोचा जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ यानी कुछ डिसऑर्डर है। उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी, मतलब गाड़ी को जो है वो धीरे धीरे चलाने लगा। थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी चालक यानी ड्राइवर, गार्ड तथा कुछ लोग जो है सुनीता और उसकी माँ के पास आए। सुनीता ने उन्हें टूटी हुई यानी जो ब्रोकन पटरी रेलवे ट्रैक थी उसे दिखाया। पटरी देखकर जो है चालक ने यानी जो ड्राइवर है उसने कहा कि सुनीता की सूझबूझ यानी जो कॉमन सेंस है तो सूझबूझ से हजारों यानी थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जो है जाने बच गई। हजारों लोगों की जाने बच गई। सभी यात्रियों ने दोनों के जो है साहस यानी ब्रेवरी की प्रशंसा की, तारीफ की। सुनीता को इस साहसिक कार्य के लिए जो है 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया।